Like a Hellcat. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे मोंटी ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल डीजे के बारे में, जो कि मैंने अभी हाल फिलहाल में इसको शूट किया। वीडियो को आप इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो को आप एंड तक देखिए। वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने इसके अंदर कौन से टॉप यूज़ किए, कौन से बेस यूज़ किए, कौन सा एम्पलीफायर यूज़ किया। साथ ही साथ वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसके अंदर कौन सा जनरेटर यूज़ किया। वीडियो को आप इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो में बने रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक कीजिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बना सकूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा सेटअप्स जो कि हमने टाटा इस पे बनाया हुआ है। हमने इसके अंदर 3 टॉप यूज़ किए, 2 बेस यूज़ किए, और इसके अंदर हमने 2 पारलाइट यूज़ किए और 2 वाइट मेटल यूज़ किए हैं। हम देखते हैं आगे कौन सी हमने पारलाइट यूज़ किए। सबसे पहले हमने 2 वाइट मेटल उसके अंदर यूज़ किए, LED मेटल। देन उसके बाद में हमने बिग डिपर की पारलाइट यूज़ किए। दोस्तों, हमने जो 3 टॉप यूज़ किए वो है पी ऑडियो के 350 वॉट BM सीरीज। देन उसके नीचे जो बेस है वो है 650 वॉट्स बाय पी ऑडियो। ये काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिलता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसके अंदर 1000 वॉट्स के ऊपर ही बेस लगाइएगा। मुझे इसके अंदर ज़्यादा बेस का काम नहीं था, तो इसमें इसके अंदर बेस छोटे ही लगाए हैं। दोस्तों, ये सफिशेंट साउंड हो जाता है मोबाइल डीजे में। अब हम देखेंगे इसका इनसाइड व्यू। अंदर सबसे पहले हम लोगों ने इसके अंदर जनरेटर लगा हुआ है जो कि 7.5 KVA का है। देन उसके अंदर से हमने आउटपुट निकाल करके उसका बोर्ड लगाया हुआ है। आप देख सकते हो बोर्ड को हमने इसको बीच पे बांधा हुआ है। उसके बाद में हमने 2 MOSFET लगाए हुए हैं। दोस्तों, हमने इसके अंदर ProWave कंपनी का 800 वॉट का और जो पी सीरीज स्टूडियो मास्टर आता है उसकी पी सीरीज़ का 3 KW का एम्पलीफायर लगाया हुआ है। 3 KW में हमने 2 टॉप और 2 बेस यूज़ किए, और जो सेंटर वाला जो टॉप हमने जो दिया हुआ है वो है ऊपर वाली मशीन पर, जो कि 800 वॉट है। हमने इसके अंदर जनरेटर से आउटपुट दिया है बोर्ड में। देन बोर्ड के बाद हमने स्टेबलाइजर से आउटपुट दिया हुआ है, और जो दोनों मशीन की मेन लाइन है हमने स्टेबलाइजर में लगाई हुई है। देन ये इसके कनेक्शंस है, और हमने इसका जो मिक्सर वगैरह है हमने पूरा आगे के और रखा हुआ था, तो वीडियो में हम वो शूट नहीं कर पाए। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पूरा फुल रिव्यू लेके आऊँ। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।